Hello guys, so today I am going to discuss the topic the animal world in this video. So let's start. Now here it is saying drop some food on the floor like sugar or breadcrumbs. Now watch for some time. Do you see a line of ants moving towards the food? अब इसमें क्या बोल रहा है कि आप अगर थोड़ा सा फूड जैसे कि शुगर हो गया या ब्रेड क्रम्ब हो गया अगर आप गिरा देते हैं नीचे, अगर आप रख देते हैं तो आप कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि उसमें क्या होता है, एंट लगने लगती है. इज़न्ट इट, एंट लगना शुरू हो जाती है. लेकिन आप सिर्फ एंट को लगते हुए ही नहीं देखेंगे बल्कि आप उसको आते हुए भी देखेंगे. तो जब एंट को आप लोग आते हुए देखेंगे तो एंट का मूवमेंट किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से वॉक करती हैं, वो कैसे वॉक करती है, वो लाइन में वॉक करती हैं करती हैं ना. अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, कहीं पे देखा होगा एंट कहीं पे या आटा हो या शुगर रखा हो तो उसमें वो लाइन बना के चली आती हैं. तो वो लाइन क्यों बनाती हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो जिस वजह से उनको जो है उनको जो है प्रोत्साहित करता है कि वो लाइन बना के चलें एक दूसरे के पीछे, ऐसी क्या वो चीज़ है. ठीक है, तो इफ़ यू ऑब्जर्व देम लॉन्ग इनफ यू विल सी देम कैरिंग ऑफ द टाइनी पीसेज ऑफ फूड, सून दे विल बी नथिंग लेफ्ट. ठीक है, और वो लाइन बना के आती हैं एक दूसरे के पीछे और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो टाइनी पीसेज ऑफ फूड को ले करके जाती हैं और उसी जिस रास्ते से वो आती हैं सेम उसी रास्ते से वो वापस भी होती हैं. ठीक है, और फिर कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, वहाँ पे कोई भी फूड नहीं बचेगा, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट, कुछ भी वहाँ नहीं बचेगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, एंट एकदम लाइन बना के आ रही हैं. तो ऐसी क्या रीज़न है कि वो लाइन में ही चलती हैं. वो आपने कभी भी एंट को एक स्कैटर्ड होकर के चलते हुए नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा स्कैटर्ड फॉर्म में वो चल रही हैं, वो लाइन में चलती हैं. तो क्यों चल रही हैं, क्या रीज़न है, वो हम यहाँ पे देखते हैं. हाउ एनिमल्स फाइंड देयर फूड, अब एनिमल्स किस तरीके से अपने फूड को पाते हैं. तो एनिमल्स फाइंड फूड मच लाइक वी डू बाय सर्चिंग फॉर इट. अब एनिमल्स भी फूड हम ही लोग की तरह सर्च करते हैं. जैसे हम लोग को जैसे कि चाहिए होता है सब्जी खरीदना है, ठीक है, फिर जा कर के ग्रॉसरी शॉप में हम लोग ऑयल खरीदते हैं, राइस खरीदते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को भी अपना फूड जो है सर्च करना पड़ता है, एक शॉप से दूसरे शॉप हम लोग जा रहे होते हैं. तो सेम इसी तरीके से जो एनिमल्स भी होते हैं ना, उनको भी अपना फूड सर्च करना पड़ता है, दे ऑल्सो हैव टू सर्च देयर फूड. वेन सम एनिमल्स लाइक एंट्स फाइंड फूड दे रिलीज केमिकल्स नोन एज फेरोमोन्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम एंट के बारे में बात कर रहे हैं. अब जैसे एंट को अपना फूड सर्च करना है तो किसी एंट को फूड मिल जाता है तो वो क्या करती है, उसकी बॉडी से एक रिलीज होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं फेरोमोन्स. ठीक है, इसी की महक से बाकी सब जो एंट है ना वो फॉलो करती हैं. ऐसे जो लाइन बनती है ना इसीलिए बनती हैं, वो एक के बाद एक फॉलो करती हैं क्योंकि जो एंट है वो फेरोमोन रिलीज करती जाती हैं. ठीक है, अगर आप फेरोमोन को अगर आप पोछ देंगे ना, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आपने सोचे फर्श में आपने पोछा लगा दिया हो तो क्या होगा, उसकी तो महक चली गई तो एंट जो है अपना रास्ता भटक जाएगी. ठीक है, तो इसलिए वो फेरोमोन्स को फॉलो करती हैं, एक एंट दूसरी एंट तीसरी एंट इस तरह से वन बाय वन ये फॉलो करती हैं उसकी महक से. और जो महक जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमोन. ठीक है, तो वो एंट जो है वो फेरोमोन रिलीज़ करती है एंड लीव देम ऑन देयर ट्रेल. ट्रेल मीन्स मार्क, वो एक मार्क की तरह उसको वो रिलीज़ करती है, एक महक होती है. ठीक है, व्हेन वन एंट फाइंड्स फूड इट रशेस बैक टू टेल द अदर एंट बाय फॉलोइंग दिस फेरोमोन ट्रेल. ठीक है, अब किसी एक एंट को फूड मिल गया तो उसी को उसी महक को वो फॉलो करती हुई बाकी एंट को बुलाएगी और फिर उसी महक को फॉलो करते करते जितनी भी एंट्स हैं ना वो लाइन से उसी महक को फॉलो करते 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 फूड तक अपने पहुंच जाती हैं. अदर एंट यूज़ द सेम ट्रेल टू गो बैक टू द फूड. ठीक है, और इसी तरह से जो बाकी की जो एंट्स हैं वो फूड तक वो रीच कर पाती हैं. यू मे हैव नोटिस्ड हाउ द एंट सीम्स टू बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द फेरोमोन ट्रेल द फर्स्ट एंट लेड आउट. ठीक है, तो इसी फेरोमोन की ही वजह से जो एंट होती हैं वो लाइन में चलती हैं. ठीक है, इसी वजह से एंट्स जो हैं वो लाइन में चलती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स. अब जिस तरह से हमारे में सेंस ऑर्गन्स होता है वैसे ही एनिमल्स में भी होता है. हमारे में सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, आइज, नोज,
स्किन, टंग एंड ईयर्स। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोग में पाए जाते हैं, ठीक है। और यही चीज़ एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन उनमें जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो किसी किसी एनिमल्स में कुछ डिफरेंट फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा सेंस ऑर्गन है, आइज का क्या काम होता है, सीइंग, ईयर का क्या होता है, हियरिंग, टंग का क्या होता है, फंक्शन टेस्ट करना, स्किन का फील करना, नोज़ का स्मेल करना। तो इसी तरह से एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जस्ट लाइक एंट यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड एंड देन लीड अदर्स टू इट, वी टू यूज आवर सेंस ऑफ स्मेल टू आइडेंटिफाई थिंग्स। तो जैसे ही अब एंट ने का क्या यूज़ हो रहा है, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑफ स्मेल, इसी के थ्रू वो एक दूसरे के पीछे पीछे होती हैं, ठीक है। फेरोमोन्स की महक से वो एक दूसरे के पीछे पीछे होती हैं। तो हमारे में भी जो है सेंस ऑफ स्मेल वर्क करता है, कैसे करता है। अब जैसे किचन में कुछ खाना बन रहा है, तो आप अपने बेडरूम में तो आप पता लगा सकते हैं ना कि किचन में ये मम्मा बना रही हैं। या अगर कोई परफ्यूम लगाया है तो आप बता सकते हैं, कुछ कुछ परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो बहुत ही कॉमन होती है, मतलब आप स्मेल से आप पहचान सकते हैं कि ये स्मेल इस परफ्यूम की है, ये स्मेल इस क्रीम की है। तो इसमें क्या होता है, आपका ये जो सेंस ऑफ स्मेल है ना वो वर्क कर रहा है, ठीक है। आप अपने सेंस ऑफ स्मेल की वजह से आप बता सकते हैं, आप थिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एवरी टाइम वी स्मेल समथिंग वी गो थ्रू आर मेमोरी टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। तो हमारी नोज़ में हर समय कोई ना कोई स्मेल आती रहती है, और फिर जो हमारी याददाश्त है वो सोचने में लगती है कि ये स्मेल किस चीज़ की है, ये स्मेल इस क्रीम की आ रही है, ठीक है। अब जैसे सोप की, हर सोप की डिफरेंट डिफरेंट स्मेल होती है, अगर आपने कहीं पर उस सोप की स्मेल आपको आ गई, आप समझ सकते हैं ना ये डव सोप की स्मेल है या ये लक्स सोप की स्मेल आ रही है, विदाउट सीइंग आप बता सकते हैं। क्यों, आपकी वो मेमोरी सोचती है कि ये स्मेल हमने पहले भी सूंघा हुआ है और ये स्मेल इस चीज़ की आ रही है, ठीक है। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स हैव ए फार सुपीरियर सेंस ऑफ स्मेल, दे ऑफन यूज इट विद अदर सेंस ऑर्गन्स टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट फूड। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही सुपीरियर होती है, यानी कि बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग होती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अपने एक सेंस ऑफ स्मेल के ही साथ साथ अपने दूसरे भी सेंस ऑर्गन का वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब जैसे सेंस ऑफ स्मेल हो गया, अब स्मेल से आपको पता चल रहा है कि ये स्मेल इस चीज़ की आ रही है, लेकिन आइज का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं देखने के लिए कि ये चीज़ कितनी दूर है। नेचुरली ये एनिमल्स यूज़ करते हैं अपने प्रे के लिए, स्मेल से वो पता लगाते हैं ये यहाँ से आ रही है, और आई से वो देखते हैं उस चीज़ को कि वो चीज़ है कहाँ, कितनी दूर है, ठीक है। तो इस तरह से वो दोनों मतलब कि एक के साथ साथ सेंस ऑफ स्मेल के साथ साथ अदर ऑर्गन्स का भी वो इस्तेमाल करते हैं वो हैं फूड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बीज, अब यहाँ पे हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। बीज यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल अलॉन्ग विद देयर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कलर्स एंड पैटर्न्स टू फाइंड फूड। अब बीज है, अब बीज उड़ के जा रही है, उसको खुशबू आ रही है कि यहाँ पे कहीं फ्लावर है, और फिर वो अपनी आइज़ का यूज़ करेंगी देखने के लिए कि कितने ब्राइट एंड कलरफुल फ्लावर्स हैं, तो ये स्मेल इन ब्राइट एंड कलरफुल फ्लावर्स से आ रही है। यानी कि बीज क्या क्या यूज़ कर रही है, अपनी नो सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ कर रहे हैं एज वेल एज अपनी आई साइट का यूज़ कर रहे हैं। दीज एनेबल देम टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फ्लावर्स देयर सोर्स फॉर फूड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनको पता चलता है कि कितने वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं, वो देख के पता लगा सकती हैं कि यहाँ पे इनका सोर्स ऑफ फूड है। लाइक एंट्स, मैनी बीज ऑल्सो लीव द ट्रेल ऑफ स्मेल टू मार्क देयर वे एंड गाइड अदर बीज टू द फूड सोर्स। अब जिस तरीके से एंट फेरोमोन रिलीज करती है, अपना ट्रेल छोड़ती है, वैसे ही बीज भी अपना कोई ऐसा मार्क छोड़ देती है ऐसा ट्रेल वो भी छोड़ देती, ताकि अदर बीज को भी पता चले कि यहाँ पे उसका फूड है। दे कैरी नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड स्टोर इट इन देयर होम द बी हाइव। और बीज क्या करती हैं, फ्लावर से वो नेक्टर को लेती हैं और अपने बी हाइव में स्टोर कर देती हैं। ऑल राइट, although animals and insects use these sense of smell, all of them do not have noses.
अब एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स अपने सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करते हैं फूड को लोकेट करने के लिए, लेकिन कुछ एनिमल्स के पास नोज़ तो होता ही नहीं है। अब विदाउट नोज़ के वो कैसे फूड को लोकेट करेंगे, कैसे उन्हें स्मेल आएगी, कैसे आएगी, हाउ? कभी सोचा है आपने? अगर आपके पास नोज़ नहीं है और आपको स्मेल कैसे आएगी? तो यू नो गॉड हम लोग को ऐसी चीज़ें देते हैं, यानी कि अगर हमारे पास नोज़ नहीं है ना तो वो कोई और चीज़ हमारे पास होगी जिससे कि हमें स्मेल आएगी। सिमिलरली कुछ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं, उनके पास नोज़ नहीं होती है, लेकिन उनको गॉड ने ऐसी चीज़ दिया है ऐसे है जिससे कि वो स्मेल कर सके, स्मेल उन्हें आ सके। सो एनिमल्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज, एंट्स, फ्लाइज एंड कॉकरोचेज यूज द एंटीना ऑन देयर हेड टू फॉलो स्मेल एंड ऑल्सो टू फाइंड देयर वे। अब देखिए, फ्लाइज में, कॉकरोचेज में, बीज, बटरफ्लाइज में क्या होता है? एंटीना होता है उनके हेड में जिससे कि वो स्मेल उनको पता चलती है। एंटीना क्या होता है? आपने देखा होगा बटरफ्लाई को, ठीक है, ये बटरफ्लाई है, ओके। अब यहाँ पे आप देखे होंगे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एंटीना, ओके, एंटीना। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीना, ओके। तो इसके थ्रू उनको जो है सेंस ऑफ स्मेल आती है। तो स्नेक्स यूज देयर टंग मच लाइक वी यूज आर नोज। अब स्नेक क्या यूज करता है? स्नेक की भी नोज नहीं होती है, लेकिन वो क्या यूज कर रहा है? अपना टंग यूज कर रहा है, बाहर की एटमॉस्फेयर को जानने के लिए, अपने प्रे को ढूंढने के लिए वो टंग का इस्तेमाल करता है। तो दे फ्लिक देयर टंग आउट टू स्मेल द एयर अराउंड देम। अब स्नेक को अगर आप देखेंगे, आप रियल में मत देखिएगा जा करके, आप यूट्यूब में आप देख लीजिएगा स्नेक को, वो क्या करेगा, वो बार बार अपनी टंग को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लिक। तो वो बार बार अपनी टंग को अंदर बाहर करता है, क्यों करता है? जिससे कि टंग जब उसकी बाहर आती तो उसको अपने बाहर की सराउंडिंग के बारे में पता चलता है, उससे वो पता लगाते हैं अपने प्रे को। सम स्नेक्स हैव मेम्ब्रेन्स दैट कैन ऑल्सो डिटेक्ट हीट। और कुछ स्नेक्स होते हैं वो मेम्ब्रेन, अपनी बॉडी के मेम्ब्रेन के थ्रू हीट को डिटेक्ट करते हैं। बोथ दिस सेंसेस टेल देम इफ अ प्रे इज नियर बाय। तो बॉडी की मेम्ब्रेन और टंग की वजह से उन्हें अपने आसपास का जो में अगर प्रे है तो उससे पता चलता है। प्रे क्या होता है? प्रे जो होता है शिकार, जैसे कि स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, ठीक है, इंसेक्ट्स को खाता है, ऑल राइट। तो फ्रॉग है, इंसेक्ट्स है, ये क्या हो गए स्नेक के लिए? प्रे हो गए, ठीक है। A snake relies quite heavily on its sense of smell because it has very poor eyesight and sense of hearing. अब जो snake होता है वो पूरी तरह से dependent होता है अपनी sense of smell पर। क्यों dependent होता है? क्योंकि उसकी जो eyesight होती है वो बहुत ही poor होती है, वो ठीक से नहीं देख पाता है, as well as उसके ears भी नहीं होते हैं और उसको सुनाई भी नहीं देता है, ठीक है। तो जिस वजह से जो स्नेक है वो सबसे ज़्यादा अपने सेंस ऑफ स्मेल से डिपेंडेंट होता है। तो सेंस ऑफ स्मेल कहाँ से उसको आती है? अपनी टंग से, एज वेल एज मेम्ब्रेन्स। इट इज़ ओनली द स्मेल एंड द हीट दैट टेल देम अबाउट द एनवायरमेंट अराउंड देम। अब कैसे होता है, अब जैसे टंग बाहर निकालता है ना तो उसको हीट की आहट से, हीट महसूस वो करता है, तो उससे पता चलता है बाहर के एनवायरमेंट की हीट से उसे पता चलता है कि यहाँ पे मेरा प्रे है, ठीक है। तो गाइस आज मैं यहीं तक बस इस वीडियो को एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा और मे बी आप लोग ज़्यादा देर तक बैठना पसंद नहीं करें। तो गाइस ये जो नेक्स्ट है हमारा बैट्स के बारे में, ये मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है। और अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको प्लीज़ कर लीजिएगा, जिस ताकि आप लोग का कोई भी टॉपिक मिस नहीं होने पाए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।